सो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइज, आज इस वीडियो में हम रिएक्शन और एनालिसिस करने वाले हैं BNL के ऊपर। अगर BNL की बात करें, ही इज वन ऑफ दी फाइनेस्ट PC प्लेयर ऑफ मीना सर्वर, एंड मीना सर्वर के कुछ बड़े नामों में से एक है BNL। तो उनका जो गेम प्ले है वो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे फोन प्लेयर्स के ऊपर BNL का वीडियो लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर इट। और अगर उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। और गाइस, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी लाइक मिलने के बाद ये वीडियो एक और बंदे को ज्यादा रिकमेंड होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। Let's start the video. Okay guys, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं BNL के latest video के ऊपर, जिसका नाम है This is the real beginning, ठीक है? और आज इस video में हम इसका ही analysis करने वाले हैं। So let's start the video. Okay, बंदा है. Okay, ये रहा. Red number, very nice. Okay, यहाँ दूसरा बंदा आया. Okay, frame lock नहीं हुआ. Very good. Recoil, UM से recoil हो. Go down हुआ यहाँ पे. इसको नहीं लगा. इस बंदे की मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा है सामने वाले की. ओके, दो डाउन हो गए थे, शायद वो रिवाइव दे देगा पीछे, लेट्स सी. ओके, इसको रेड नंबर मारा, मतलब वो लोग शायद रिवाइव हो चुके हैं, आई डोंट नो. हाँ, शायद रिवाइव हो चुका है. यहाँ पे एक बंदा रिवाइव हो चुका है. ओके, ये रहा, इसको भी रेड नंबर. और ये रहा लास्ट बंदा. ओ भाई साहब, शायद कार 98 है उस बंदे के पास, या फिर ये WM बाइक. आवाज तो कार 98 वाला आया. ओके, 106 का है सर. मतलब कतई क्लाइमेक्स वाला सीन था, ठीक है? शायद हाईलाइट्स में आगे होगा, तो उस टाइम पे हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पे एक सीन स्टार्ट हो चुका है, शायद स्कोर गेम प्ले चल रहा है, दो बंदे बचा है, ठीक है? ओके, यहाँ पे ग्रेनेड आ रहा है, पीछे ग्रेनेड आ रहा है. ओके, भाग लिए, बंदा आया ऊपर से. ओके, इस बंदे को पूरा फिनिश किया जाएगा. और यहाँ पे गाइज, आप देख सकते हो कि मेडिकिट के साथ साथ रिवाइव देना चल रहा है, ठीक है? तो गाइज, ये चीज आप कर सकते हो, मेडिकिट के साथ साथ आप रिवाइव दे सकते हो, ठीक है? यू कैन डू इट. तो मैक्सिमम बंदे इस चीज को यूज नहीं करते, मगर जब एंड साइड, मतलब एंड सर्कल की फाइट्स होती है, तो ये चीज बहुत क्रूशियल हो जाती है कि आप इसे यूज करो, ठीक है? तो ऑलवेज आपको रिवाइव देते देते अगर जरूरत है तो मेडिकेट यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बंदा डाउन है, शायद ऊपर एक और बंदा है जो रिवाइव दे रहा हो. हाँ, ये रहा बंदा. ओके, उसको डाउन कर दिया. ओके, दूसरा. ओके गाइस, खत्म, वेरी नाइस. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है गाइस? देखा, यहाँ पे आप जब भी गेम प्ले देखोगे ना, तो ये एक स्प्लिट सेकंड के बाद ग्लू वॉल डाल देता है. अब ओके, ये एक स्प्लिट सेकंड के बाद ग्लू वॉल डाल देता है. अब ये ग्लू वॉल डालने के पीछे भी ना एक, मतलब आप बोल सकते हो कि एक रीजन है, ठीक है? देखना, यहाँ पे हम गेम को थोड़ा स्लो मोशन में खेल रहे. ओके, ये बंदा है इधर. ओके, यहाँ पे इन्होंने 4 से 5 गोली और फिर हेडशॉट पे एम था, फिर भी ग्लू वॉल लगा दे. उसका रीजन क्या है, ठीक है? उसका सिंपल सा रीजन है, रिफ्लेक्स. अब हर एक बंदे का किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने का एक टाइम होता है, और वो टाइम जो है उसका ही फायदा उठाते हैं हाई स्पीड प्लेयर्स. मतलब कि आप गेम में जा रहे हो, आपको कोई बंदा मारना शुरू किया, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चीज के ऊपर रिएक्ट कर पाओगे. और उस रिएक्शन करने के टाइम सामने वाला बंदा अगर ग्लू वॉल लगा देता है, तो आप टोटली बीट हो जाते हो. और वही चीज ये लोग करते हैं. विंसेंजो ले लो, BNL ले लो, साइबलस ले लो, उनकी इतनी फास्ट ग्लू वॉल स्पीड होने के कारण उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो क्या करता है, सबसे पहले वो लोग आप पे अटैक करते हैं. आप जब उसको काउंटर करने जाओ, तो वो लोग वहां पे ग्लू वॉल लगा चुके होते हैं. तो ये चीज आपको भी करनी है. आप जब भी सोलो वर्सेस स्क्वाड या फिर क्लैश स्क्वाड खेलो, अगर पॉसिबल है तो 4 या 5 गोली मार के तुरंत ग्लू वॉल डाल दो, ताकि अगर सामने वाले बंदे का एम लॉक भी हुआ है तो आपको पूरी गोली कनेक्ट नहीं होगी. अगर सामने वाला बंदा हेडशॉट भी मार देता है, तो आपको 2 से 3 ही हेडशॉट लगने के बजाय 1 लगेगा. तो ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको फास्टेस्ट ग्लू वॉल का यूज करना है. तो इसको बोलता है कि रिएक्शन टाइम से बीट करना. अगर सामने वाला बंदा इनके साथ ये करता है, तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा उस बंदे को काउंटर करना, मगर वो बंदा पहले अटैक करना चाहिए. ओके, और बंदे को फिनिश कर दिया है. हियर वी गो गाइस. ओके, आगे जाएंगे, बंदा आ रहा है, इसको मार दिया. देखो गाइस, रिएक्शन वो बंदा करे, उसके पहले उसको 2 गोली पड़ चुकी थी और बंदा जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका था, ठीक है? यही चीज हम फिर से एक बार नोटिस करेंगे. नीचे जा रहे. ओके, बंदा इसको भी मार दिया.
अब पीछे वाला बंदा रिएक्शन देने के लिए रेडी है। ओके ये रहा, टुकड़ी मारा, वो बंदा मार रहा है, कवर में जा रहे। ओके फाइट चल रही है, शायद यहाँ पे पीछे भी बंदा है, आई डोंट नो। ओके यहाँ से भी एक बंदा आ रहा है, क्या चल रहा है सर? ओके ये बंदा भाग रहा है, इसको डाउन कर दे, डाउन है, बहुत ओपी। दूसरा बंदा इधर, अरे भाई साहब उसने ग्लू डाली, शायद पीछे से बंदे आ रहे हैं। ओके डाउन है, डाउन। अरे भाई 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 भाई, कतई गजब वाला कार्यक्रम हो गया इधर, देखते हैं भाई। इंटरेस्टिंग है हाईलाइट। ओके कहाँ गए भाई ये, इसको डाउन किया। ओके दूसरा है, कहाँ है कहाँ है, अच्छा ये रहा भाई, दोनों खत्म भाई साहब। इसके ऑल टीममेट्स उसको मतलब उनके टीममेट्स मार दिया। तो गाइस आपको ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन में हो तब फिनिश करना ज़रूरी नहीं है। एक बंदे को डाउन करो, गोल गोल घूमो, जब दूसरा उसको रिवाइव देने आता है ना तब जाके उसको फिनिश करो। यहाँ पर यही चीज़ हुई गाइस, ठीक है। उस बंदे को यहाँ पर जब उस बंदे को डाउन किया, फिर उसको फिनिश करने के बजाय चालू कर दिया गोल गोल घूमना, ठीक है। देख रहे वो बंदा कब रिवाइव देने जा रहा है। ओके जब ये रिवाइव देने जाएंगे तो बंदे नॉर्मली खड़े रहता है, दे दिया हेडशॉट। तो आपको ऑलवेज इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले बंदे को, ओके इस बंदे को हेडशॉट, बंदा रनिंग में है इसको नहीं लगा। ओके बंदा भी डाउन, दो डाउन हो चुका है। ग्लू लगाई, ये प्रिकॉशनरी ग्लू थी, सामने खिड़की में से कोई मार सकता था उस लिए। ओके इस साइड देखते हैं। ओके वो बंदा शायद रिवाइव हो चुका है और ये बंदा खत्म, वेरी गुड। ये दो बंदे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे एक तीसरा ही। एक का रिकॉइल ज्यादा है, गोली नहीं लग रही है, तो चार से पांच गोली मार के रिकॉइल को रीसेट किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी खेल रहे हो, एके खेल रहे हो या फिर ऐसी कोई भी गन लेके खेल रहे हो जिस गन का रिकॉइल ज्यादा है, जैसे कि यूएमपी हो गई, तो आप अगर किसी बंदे को टारगेट करके उस पर गोलियां चला रहे हो, तीन या चार गोली चलाई मगर फिर भी उसको एक भी कनेक्ट नहीं हुई, तो आपको तुरंत गन स्विच कर देनी है, फिर से उस गन को निकालना है और फिर मारना है, या फिर आपको फायरिंग बंद करके अपनी जगह चेंज करनी है, या फिर क्राउच करना है, फिर से मारना है, आपको एक्यूरेसी पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। तो आपको ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरा स्प्रे एक साथ नहीं करना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो ये एक निंजा टेक्निक है एक्यूरेसी को बढ़ाने की, चाहे आपके पास कैरेक्टर स्किल हो या ना हो। ओके पीछे बंदा, इसको डाउन किया। ओके देखो गाइस बंदा फिनिश नहीं हो रहा है, बंदे को वेट किया जा रहा है, ये रहा दो खत्म हो गए, ऊपर तीसरा बंदा है। ओके नहीं निकल रहा है बाहर, वो बंदा रिवाइव देने आए बस उतनी देर वेट कर रहे इधर। ओके अंदर गए। अब यहाँ पर गाइस एक सीन वो भी होता है कि अगर सामने वाले बंदे अच्छे हैं, उनका माइक ऑन है, तो जो बंदे डाउन होते हैं ना, वो आपके कोऑर्डिनेट्स उसके टीममेट को बताते रहते हैं कि भाई वो बंदा ऊपर आ रहा है, सीढ़ियों से आ रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है अगर आप बंदे को फिनिश करने के लिए रहते हो। ओके डायरेक्ट ऊपर नहीं गए भाई साहब, क्या बात। और ये ग्लूअल लगा दी। ओके देखते हैं क्या सीन है, उनको लगा शायद उनके पास स्काइलर है मगर स्काइलर चार्ज था। ओके अब चार्ज हो गया, फिर से ग्लू लगा दी। तो बंदा किधर है, ऊपर है क्या? तो भाई साहब अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट है। ओके ये बंदा निकले भाई साहब, रह गया एक आध गोली का बंदा बाकी है बस, मैक्सिमम कहाँ है कि नीचे शायद वो रिवाइव देने जा रहा होगा, देखते हैं। नहीं ये रहा भाई साहब, और ये भी डाउन। तो माइंड गेम के भाई बादशाह है ये हमारे BNL चीचा। ओके लेट्स सी क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बंदा है यहाँ पे। ओके वेरी नाइस हेडशॉट, दूसरा नहीं लगा। देखो गाइस नहीं लगता है ना तो तीन चार गोली तो हद हो गई भाई, तुरंत स्प्रिंट आ जाती है। तो यही चीज है, अगर आपको एक हाई स्पीड प्लेयर बनना है ना तो आपको रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा डेवलप करने हैं, कि अगर आपके गोली कनेक्ट नहीं होता है तो आपको तुरंत वहां से निकल लेना है, ठीक है, गन को स्विच करके। और ये बंदा शायद भाग रहा है स्क्वाड को बचाने के लिए, अरे गलत बात, ऐसे कौन भागता है, अरे भाई क्या ही। ओके गए, तीन डाउन है इधर, एक बाकी है। ओके रिप्ले खत्म, क्या ही रेड नंबर आए भाई साहब, वेरी गुड। दूसरा बंदा नहीं लगा, बहुत ही ओपी इन स्कोप हेडशॉट, दो को पड़े, राइट साइड में तीसरा आ रहा है पेड़ के पीछे है, देखते हैं। और तीनों के तीनों खत्म गए, बहुत ओपी। मगर आप अगर कभी भी ऐसे सिचुएशन में हो तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा
कि कभी भी ओपन में से मत भागा कीजिए। अगर आपके पास ढेर सारी क्लूवल है तो ही भागा कीजिए, क्योंकि जब 3 या 4 डायरेक्शन से पड़ती है ना तो भाई सब निकल जाता है, ठीक है। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि का क्या करूं, बंदे को मारो कि खुद को बचाओ। तो ऑलवेज कवर टू कवर ही मूव करना है आपको, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। डाउन कर दिया। और गाइज एक चीज आपने नोटिस की, ये सब रैंक की हाईलाइट्स है अब तक जो हमने देखी ना, वो तो शायद क्लच स्क्वाड की आगे से। ओके बंदा यहाँ पे डाउन था, शायद उसको रिवाइव करने पे आ गया होगा। ओके मेरा रिवाइव करने आ रहा था, इसको चिप डाला। अभी भी 2 बंदे डाउन हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बंदा नूब वॉक कर रहा है गाइस। ओके खड़ा रहा और भाई खत्म, वेरी गुड। यहाँ बंदा एक डाउन, दूसरा डाउन। ओके देखते हैं क्या सीन है। ये पीछे बंदा, तीसरा डाउन, वेरी गुड भाई, क्या ही स्प्रे चिपक रहा है। ओके गाइस तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि देखो एक को डाउन किया, अब दूसरा बंदा जो है ना वो खड़ा रह गया, देखो फिर उसको हेड पड़ा। तो आपको ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बंदा खड़ा है ना उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, जो बंदा मूव कर रहा है उसको बाद में मारो, खड़े वाले को पहले मारो, उसको इजीली लग जाएगा। तो आपको ऑलवेज, अगर आप लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहे हो, आपको 2-3 बंदे दिख रहे हैं, एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा खड़े खड़े फायर दे रहा है, तो पहले खड़े वाले बंदे को मारो। खड़े वाले बंदे को चुटकियों में भाई हेडशॉट चिपक जाता है, ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर भी देखो ये बंदा लिटरली खड़ा रह के मार रहा था, फिर थोड़ा सा मूवमेंट किया मगर हेड चिपक गया। ओके बंदा यहाँ पे, बंदा डाउन, वेरी गुड। यहाँ पे गाइस एक जॉयस्टिक टेक्निक भी है जो मैंने नोटिस किया, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके प्रिसाइज प्रिसाइज प्रिसाइज। ओके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऊपर है बंदा। ओके अरे भाई ग्लोबल मिस हो गई, देखते हैं। गैस मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कितने बंदे हैं जो ये ग्लू वॉल के प्रोटेक्शन वाली पैड की एबिलिटी यूज करते हैं। मेरे को तो लगता है भाई जब से वैगर आया है ना भाई सब भूल गए वैगर, और रैंक गेम में भाई स्काईलाइन स्प्री मतलब कि हमारा फाल को यूज होता है, नहीं लग रहा है इसको। ओके गाइज एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे सामने वाले बंदे के पास शॉटगन है, ठीक है, और इनके पास है यूएमपी, तो ये नजदीक नहीं जा रहे। अगर एक नॉर्मल बंदा होता ना तो वो बंदे के नजदीक जाके उसको मारने की ट्राई करता, मगर ये देखो डिस्टेंस जो है ना उसको मेंटेन कर रहे, देखो ठीक है। इस बंदे के साथ इनका जो डिस्टेंस है वो आप नोटिस करना, मारा नहीं लगा और फिर से डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो आपको ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो गन है वो कौन से डिस्टेंस पे सबसे ऑप्टिमम चलती है। अगर शॉटगन होती तो ये चचा अंदर घुस जाते, मगर इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने क्या किया, यूएमपी है तो डिस्टेंस बना के रखा, और फिर जब बंदा रेंज में आया तो उसको सीधा हेडशॉट चिपका डाला। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखनी है कि सामने वाला बंदा आपकी गन की रेंज में रहे उसका आपको पूरा इंतजाम करना है। बंदा डाउन यहाँ पे, बहुत ओपी। ओके नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं, इनके पास है यूएमपी और एम। बंदा डाउन। ओके यहाँ पे निकाली एक के, कहाँ है एक के। ओके बंदा पीछे है, ये प्रिकॉशनरी ग्लू वॉल, बंदे के ऊपर रश कर रहे हैं। और सेम चीज, अगर नॉर्मल बंदा होता तो पेड़ को चिपक के जंप करता, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, क्रॉस जंप किया, डिस्टेंस बना के रखा। तो डिस्टेंस मैटर करता है अगर आप एक क्वालिटी एसएमजी यूजर हो, ठीक है। तो फिर बंदा डाउन, वेरी गुड। देखते हैं शायद एक और बंदा हुआ यहाँ पे, लेट्स सी। ओके यहाँ पे बंदा रनिंग और फाइनल चिपक डाला। यहाँ पे भी गाइस रिकॉइल रीसेट किया गया है। अरे ये रहा बंदा, भाई क्या ही सांड पट्टी कर रहा है। मूवमेंट देखो उस बंदे की, ब्लू डाल दी। ओके वो बंदा भी शायद आगे आ रहा है। ओके ब्लू डाल दी, बहुत लेट ब्लू थी, नहीं लगा रिकॉइल कुछ ज्यादा ही, ऐसे नहीं लगा तुरंत। गाइस देख रहे हो रिफ्लेक्स, देख रहे हो गाइस वो बंदा रिएक्ट करे उतनी देर में ग्लू आ जाती है वहां। ओके उसको टीममेट ने डाउन कर दिया और कैसा खत्म, वेरी नाइस गाइस, बहुत साइड से कोई बंदा मार रहा है, VSS है शायद उसके पास। हाँ ओके भाई वो बंदा टीममेट को डाउन कर दिया, अकेले बचे हैं चचा हमारे, शायद 16 किल हो चुके हैं भाई साहब दिया के लिए, एक गोली का है वो कौन सा, सीरियसली एक गोली का और हेडशॉट, वेरी नाइसली डन, बहुत क्या हुआ? तो वैसे आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो से आपको 3-4 नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, जैसे कि रिएक्शन टाइम की बात है, रिफ्लेक्सेस की बात है, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गई मोशन मूवमेंट, बंदे को किस तरह से ट्रैक करना, ये सब चीज़ें आपको पता चली होगी। स्पेशली उन बंदों को जो 1v2 1v4 सिचुएशन में अक्सर आ जाते हैं अपने टीम मेट के कारण। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं शायद कल एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आने वाले वेनम इवेंट को समझाऊंगा, तो अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।